हेलो गाइड्स, आज हम आपको अलजबरा से संबंधित या रिलेटेड जो आपके एग्ज़ाम में 18 नंबर की आएगी, इसी के एक पार्ट जो आपका द्विघात समीकरण है, इसी के बारे में आपको हम विधियां करा रहे हैं और आपको बताएंगे। विधियां हमारी तीन हैं, 1, 2, 3। नंबर 1 गुणनखंड, नंबर 2 पूर्ण वर्ग बनाकर, नंबर 3 सूत्र द्वारा। इन तीनों विधियों से हम द्विघात समीकरण के जो भी मूल हैं या समीकरण हैं उससे मूल निकालते हैं या ज्ञात करते हैं। सबसे मेन बात यह आती है कि द्विघात समीकरण कैसी होती है और किस तरीके की होती है। ज़रा ध्यान दें, द्विघात समीकरण जो लिखा हुआ है उससे साफ स्पष्ट है या जाहिर है, द्वे माने द्वे, घात माने घात या पावर कह सकते हो। जिस समीकरण में पावर 2 होगी वो ही हमारी द्विघात समीकरण कहलाएगी और इसके मूल भी 2 ही आते हैं। देखिए जरा, आप समीकरण हम आपको दिखा रहे हैं, ax² + bx + c = 0। ये आपकी द्विघात समीकरण है, इसी तरीके की आपकी समीकरण होंगी। यहाँ पर ए बी सी दे रखा है, आपके क्वेश्चन में ए और बी और सी की जगह अंक होंगे, जिनको आप ए बराबर कह सकते हैं, जो भी अंक होगा बी की जगह जो अंक होगा उसको आप बी बराबर कह सकते हैं, और जो जहाँ पर सी का होगा वहाँ आप सी बराबर कह सकते हैं। ज़रा ध्यान दें, हम आपको दोबारा बता रहे हैं, गुणनखंड और पूर्ण वर्ग बनाकर इन दोनों से जो हम निकालते हैं द्विघात समीकरण के मूल, केवल मूल ही निकाले गए हैं। गुणनखंड में जो हम आपको पीछे करा चुके हैं उसमें आपसे मूल नहीं निकलवाएं, केवल उसको तोड़वाया गया या तोड़ा गया है। आगे आप देखिए, पूर्ण वर्ग बनाकर इससे भी हम मूल निकालते हैं। तो ये जो आपकी विधि है, पहला गुणनखंड, नंबर 2 पूर्ण वर्ग बनाकर, नंबर 3 सूत्र द्वारा। इन तीनों विधियों के बारे में हम आपको बताएंगे। आपको हम जो इम्पोर्टेंट है, पूर्ण वर्ग बनाकर जिसके द्वारा द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना होते हैं, नंबर 3 सूत्र द्वारा, इसके द्वारा भी आपके मूल निकालना होते हैं। इसका फार्मूला है जो सबसे मेन है एग्ज़ाम में, इसी के आधार पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा और आता है। बच्चे अक्सर इसका फार्मूला भूल जाते हैं, हम आपको बता रहे हैं, ज़रा ध्यान दें। x = -v + -, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, इसका मतलब ही यही होता है कि एक बार प्लस में एक बार माइनस में। फिर आपका रूट है v² - 4ac या 4ac वटे 2a। अब बच्चे कहते हैं, ये तो सर आपने फार्मूला बता दिया, लेकिन ये मान कहाँ से आएंगे और हम कैसे रखेंगे। हम आपको क्वेश्चन कराएंगे, उन क्वेश्चनों के आधार पर ही आप फार्मूला अच्छी तरह के समझेंगे, लेकिन फिर भी हम आपको दोबारा बता रहे हैं। जैसे कि ये समीकरण दे रखी है आपकी, ax² + bx + c = 0। तो जो भी हमारा a का मान होगा, मान लो 4 होगा तो a बराबर 4 हो जाएगा, b की जगह मान लो 5 होगा तो b बराबर 5 हो जाएगा, c बराबर अगर आपका 40 होगा तो c बराबर 40 आपका हो जाएगा। तो इसी तरीके से a b c के जो मान हमने आपको बताए हैं वही मान इसमें आपको लगाना होंगे, और आपका जो भी मान आएगा वो x में कन्वर्ट हो जाएगा। द्विघात समीकरण की बात चल रही है, द्विघात समीकरण में जब भी हम हल करेंगे जो भी मूल निकल के आएंगे, शर्त इसकी यही है कि 2 मान निकल के आएंगे या 2 मूल निकल के आएंगे। ज़रा ध्यान दें, हम आपको दोबारा बता रहे हैं, ये अलजबरा जो आपके एग्ज़ाम में 18 नंबर की आएगी, इसी से संबंधित या रिलेटेड पार्ट है द्विघात समीकरण। इसी पार्ट में आपकी जो विधियाँ हैं वो 3 प्रकार की हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। पहली वाली विधि आपकी गुणनखंड है, नंबर 2
पूर्ण वर्ग बनाकर, नंबर तीन सूत्र द्वारा। सूत्र द्वारा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो अक्सर आती है और आएगी। सूत्र द्वारा सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, जो आपके 2019 में इसी फार्मूले से आधारित क्वेश्चन आपके आएंगे। ज़रा आप ध्यान दें, हम दोबारा आपको रिपीट करा रहे हैं, बता रहे हैं। आपका जो भी गुणनखंड है और आपका जो भी पूर्ण वर्ग है, नंबर तीन सूत्र द्वारा, इन तीनों के तीनों मान जो दे रखे हैं या विधियां दे रखी हैं, इन तीनों से हमें क्या निकालना होता है, मूल ज्ञात करना होता है। तीनों से क्या निकालना होता है, मूल ज्ञात करना होता है, जिसमें तीसरा जो सूत्र द्वारा है उसका फार्मूला भी हमने आपके सामने लगा रखा है, x बराबर माइनस का b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। द्विघात समीकरण हमारी इस तरीके की होगी जो आपके सामने है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। यहाँ पर स्क्वायर है, इससे यही पहचान है कि हमारी क्या होगी, द्विघात समीकरण होगी, बी एक्स प्लस सी स्क्वायर है, इसीलिए हम कह सकते हैं ये द्विघात समीकरण है और इसके मूल क्या आएंगे, 2 निकल कर आएंगे। इसी को हम द्विघात समीकरण भी कहते हैं। केवल फ़र्क या चेंजिंग ये रहेगी कि ए बी सी के मान आपके क्वेश्चन में अलग अलग होंगे। अगर आपको वीडियो सही व ठीक लगती है तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलें।